नमाज एक लज्जत है, नमाज एक हुसन है। पता है बहुत सारे लोग बेचैन क्यों हैं? नमाज वजूद की जरूरत है। जब लोग नमाज नहीं ना पढ़ते, अल्लाह ताला ने वजूद के अंदर रोटी की ख्वाहिश रखी है, पानी की ख्वाहिश रखी है, नींद की ख्वाहिश रखी है, तो जिसको रब ने पैदा किया उसके वजूद में इबादत की जगह भी रखी है। Assalamu alaikum guys, this is Ahmad and I'm back with another video. I hope आप ठीक होंगे, घर खैरियत से होंगे। अभी हुआ है सुबह के 6 और आपने देखा होगा मैंने 6 जो वीडियो एड की थी वो थी नमाज की। सुबह सुबह उठ के फजर की नमाज़ पढ़ो वाला सुकून होता है, और फिर उसके बाद सुबह सुबह आप जिम जाओ, ये भी हेल्दी होता है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी बॉडी से फैट लूज़ करें तो आप सुबह में वर्कआउट कीजिए। तो अभी मैं जा रहा हूँ जिम, और आज मैंने सोचा कि मैं लगाऊंगा बाद बाइसेप ट्राइसेप को स्टार्ट ट्रेन करूँगा। तो अभी चलते हैं जिम और आपसे मिलते हैं वहाँ। तो गाइस वो सामने जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, मैं आया हूँ वहाँ से कि मैं पहुँच गया हूँ अभी जिम, और चलते हैं अंदर और शुरू करते हैं एक्सरसाइज। ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि मुझे सुबह आप लोग पता है ऑफिस जाना होता है जिम के फॉर्म में। एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे वार्म अप साइड के साथ। वार्म अप साइड हम लगाएंगे, सबसे पहले ट्राइसेप के लिए लगाएंगे डंपल्स बिल्कुल लाइट वेट से, इसके 2 सेट लगेंगे, रेपिटेशन रखेंगे हम 30, और उसके बाद हम ले लेंगे बारबेल रॉड। बारबेल रॉड से भी हम 2 सेट लगाएंगे, रेपिटेशन रखेंगे 30 ईच सेट में। आराम आराम से लगाएं, स्लो अप करें और स्लो डाउन करें। बारबेल के सेट कंप्लीट करने के बाद अब हम लगाएंगे ब्रची हेड लगाएंगे, और ये लगेगा रिवर्स ग्रिप के साथ। वार्म अप सेट इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि आपकी जो मसल की टेंशन हो वो रिलीज़ हो जाए और आप इजीली वर्कआउट कर सकें। इससे फ़ायदा एक ये भी होता है कि आपकी बॉडी के ऊपर स्ट्रेच मार्क्स नहीं आते हैं। और ऐसे हुए वार्म अप के सेट कम्प्लीट, अब हम करेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट सिंगल हैंड ट्राइसेप के साथ। लगाएंगे हम इस तरीके से कि आपने शुरू में 2 सेट लगाने हैं लाइट वेट के साथ, रेपिटेशंस रहेंगे 20। दोनों हाथों को ट्रेन करेंगे, पहले एक हाथ से लगाएंगे फिर दूसरे हाथ से लगाएंगे। ऐसे हम लगाएंगे 2 सेट ट्राइसेप के डंपल के लाइट वेट के। ये सेट कंप्लीट हो जाएंगे तो हम डंपल्स रखने के बाद बारबेल रॉड उठा लेंगे, और फिर रॉड से 2 सेट लगाएंगे, लाइट वेट लगाएंगे, रेपिटेशंस रहेंगे 20। स्लो स्लो लगाना है, ऊपर लाके स्क्वीज़ करना है और आराम से नीचे लेके आना है। जब हमारा रॉड का सेट कंप्लीट हो जाएंगे 2, तो फिर हम उठा लेंगे हैवी वेट डंपल और फिर इसके 2 सेट कंप्लीट करेंगे। इसमें भी कोशिश करेंगे 12-14 रेपिटेशन आए आपके, और ये 2 सेट कंप्लीट करने के बाद फिर हम दोबारा से बारबेल रॉड उठा लेंगे और उसमें भी वेट लगा देंगे। रॉड में वेट लगाने के बाद फिर हम लगाएंगे बारबेल रॉड के हैवी वेट पे 2 सेट लगाने। आपने स्लो स्लो ये ऊपर लाके स्क्वीज़ करना और आराम से नीचे लेके आना है। और मैं ट्रेन ऐसे कर रहा हूँ कि मैं पहले बाइसेप के सेट कंप्लीट कर रहा हूँ फिर ट्राइसेप के। अगर आप चाहें तो एक साथ सारी बाइसेप की एक्सरसाइजेस कर लें और फिर बाद में ट्राइसेप की, या तो चाहें तो साथ कर लें। अच्छा, अब मैंने लगाए हैं डिप्स, और डिप्स के सेट कंप्लीट करने के बाद अब मैं आ गया हूँ प्रेशर कर्ल पे, और सेट डिप्स के भी 3 लगेंगे और प्रेशर कर्ल के भी 3 लगेंगे। पहला सेट लगाएंगे लाइट, और बाद के जो 2 सेट होंगे वो लगाएंगे हैवी प्रेशर कर्ल पे। सेट कंप्लीट करने के बाद फिर हम उठा लेंगे डबल डंपल, और डबल डंपल के भी हम लगाएंगे 3 सेट, वेट रहेगा सेम। डबल डंपल हमेशा हैवी ही लगता है तो आप कोशिश करें कि 12-10 रेपिटेशन निकालें। इसके बाद हम आ जाएंगे प्रेशर कर्ल पे, और ये भी नॉर्मल वेट पे लगाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं बहुत कम नहीं। इसके भी 3 सेट लगेंगे, रेपिटेशन कोशिश करेंगे 12-16 जितने आपको ईजी हो लगाना, लेकिन लगाना आपने स्लो स्लो है। इसके बाद हम लगाएंगे कंसंट्रेशन कर्ल, इसके भी 3 सेट लगेंगे और लगाएंगे स्लो स्लो, रेपिटेशन रखेंगे हम 20। हाथों को थोड़ा सा अंदर की तरफ दबा के रखेंगे ताकि आपका जो शॉर्ट हेड है वो हिट हो। डंबल्स के सेट कंप्लीट, और अब हम आ जाएंगे केबल पर, और हम रोप पुश डाउन लगाएंगे ट्राइसेप के लिए। इसके भी 3 सेट लगेंगे, रेपिटेशन रहेंगे 20। और आप देख सकते हैं कि मैं भी स्लो स्लो लगा रहा हूँ, बहुत तेज़ तेज़ नहीं लगाना है, नीचे लाके स्क्वीज़ करना है और आराम से ऊपर लेके जाना है। रोप के 3 सेट कंप्लीट ट्राइसेप के, और हम ट्रेन करेंगे बाइसेप को, और अब हम लगाएंगे केबल बाइसेप कर्ल, और इसके भी 3 सेट लगाएंगे, रेपिटेशन रखेंगे 20। लगाना स्लो स्लो है ताकि आपका जो मसल है वो ज़्यादा से ज़्यादा हिट हो सके। इसके बाद हम दोबारा से ट्राइसेप लगाएंगे, और अब हम लगाएंगे रॉड के साथ ट्राइसेप पुश डाउन, इसके भी 3 सेट लगाएंगे
और रेपिटेशंस अगेन रखेंगे 12। लगाते हुए आपने कोशिश यही करनी है कि हाथ आपके ज़्यादा मूव ना हो, हाथों को आपने बिल्कुल स्टेबल रखना है। ट्राइसेप की लास्ट एक्सरसाइज हम लगाएंगे क्लोज ग्रिप प्रेस, और ये ट्राइसेप की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत इफेक्टिव है। आप ये लाजमी लगाया करें अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ट्राइसेप में साइज गेन करें। इसके सेट कंप्लीट करने के बाद अब हम आ जाएंगे ओवरहेड केबल कर्ल पर। इसके भी 3 सेट लगाने हैं, रेपिटेशंस रखेंगे 20। लगाएंगे स्लो स्लो, हाथों को पीछे की तरफ लाके आपने स्क्वीज करना है और आराम से आगे लेके चले जाना है। ऐसे हुई हमारे बाइसेप ट्राइसेप की एक्सरसाइज कंप्लीट। तो अब हम चलते हैं घर को। तो गाइस ये था आज का वर्कआउट, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अभी घर जाके जाना है ऑफिस, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक देखिए तो आपका बहुत 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 शुक्रिया, और मैं ऐसी ही वीडियोस डालता हूँ, ऐसी वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन नहीं दबाया तो प्लीज़ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोस मिले। तो अभी लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलूँगा आपसे अगली वीडियो को, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।